जय श्री कृष्णा। तो बच्चों, जैसे 11th क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे टॉपिक्स थे, जैसे एक मैकेनिक्स था, फिर एक हीट था, एक वेव था, एक फ्लूड था, ऐसे करके छोटे छोटे कई सारे टॉपिक्स थे 11th क्लास में। उसी तरह से 12th क्लास जो है उसके अंदर जो सबसे बड़ा टॉपिक होता है, सबसे बड़ा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रो प्लस मैग्नेटिज्म, यानी चार्ज और मैग्नेट से जुड़ी हुई बातें होती हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो होता है उसके अंदर मेनली आपके 6 चैप्टर होते हैं। 6 चैप्टर कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो कि फिलहाल अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा करंट, तीसरा कैपेसिटर, ठीक है, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड जिसे EMF कहते हैं, फिर EMI हो गया, फिर उसके बाद AC हो गया। ये 6 मेन चैप्टर हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में। ये 12th की फिजिक्स का लगभग 70% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। उसके अलावा लगभग 15% में आपका ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आता है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में रे डायग्राम वगैरह से जुड़ी बातें होती है, वेव ऑप्टिक्स के अंदर इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और ये सारी चीजें होती हैं। उसके अलावा एक टॉपिक आता है 12th के अंदर, मॉडर्न फिजिक्स। लेकिन सबसे बड़ा जो चैप्टर होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म होता है 12th के अंदर फिजिक्स में। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो सबसे पहला जो चैप्टर है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब ये हुआ, इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। तो फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम स्टेशनरी चार्जेस और उनके इफेक्ट को स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स मतलब रुके हुए चार्जेस की यहां पर स्टडी होती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ब्रांच की, फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लोग स्टेशनरी चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, हियर वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस, स्टेशनरी चार्जेस एंड हियर वी स्टडी अबाउट द स्टेशनरी चार्जेस एंड देयर इफेक्ट्स। Here we study about the stationary charges and their effects. Stationary charges और उनके effect के बारे में हम लोग study करते हैं, ठीक है। तो ये जो electro, जैसे 11th class के अंदर आपका mechanics था ना, तो mechanics के अंदर सबसे ज्यादा mechanics पढ़ते हैं, बाकी wave और fluid और ये सब भी थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, मतलब कम है वो, heat वगैरह। उसी तरह से सबसे ज्यादा हम लोग electromagnetism पढ़ेंगे, बाकी उसके अलावा optics और modern physics दो और chapter है। और electromagnetism का पहला chapter start होता है electrostatics से। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर हम लोग स्टेशनरी चार्जेस या जो रुके हुए आवेश हैं हिंदी में बोले तो, उनके बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सबसे पहले एक बात यह आती है कि भाई चार्ज क्या होता है। अगर हम इस चैप्टर को जानना चाहते हैं तो हम ये देखें कि चार्ज क्या होता है। थोड़ा सा दिमाग में जोर डालिए, आप सोचिए मन में कि चार्ज क्या होता है। एक मिनट का जैसे विचार मन में रखिए कि चार्ज क्या होता है। तो बेसिकली चार्ज क्या होता है, और चार्ज जो है कमेंट बॉक्स में, यूट्यूब में हम लोग जब अपलोड करें तो कमेंट बॉक्स में इसको आप कमेंट भी कर सकते हैं। बेसिकली चार्ज क्या होता है, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो दुनिया भर के सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है। जितना भी इलेक्ट्रिकल या मैग्नेटिक जो कुछ भी होगा उन सब के लिए जो चीज जिम्मेदार है उसे हम लोग चार्ज कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी होती है, यूनिट कूलम होता है, ये सब बात हम लोग करेंगे, लेकिन इसका कंसेप्ट यही है कि एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है। दुनिया में जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस हो रहे हैं उनके लिए जो क्वांटिटी जिम्मेदार है दैट इज कॉल्ड चार्ज, ठीक है। तो चार्ज के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो है इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा, जो भी सवाल आएगा, उसमें चार्ज कहीं ना कहीं जरूर होगा, ठीक है। तो अब हम लोग इसके बारे में बात करते हैं, द फिजिकल चार्ज के बारे में बात करते हैं। चार्ज, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल, द फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ, फिजिकल क्वांटिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरैक्शंस। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी
जो जैसे मैकेनिक्स में मास आता था ना हर सवाल के अंदर, उसी तरह से इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंदर चार्ज आएगा, तो एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो दुनिया भर में हर तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शंस के लिए जिम्मेदार होती है, दैट इज कॉल्ड चार्ज। ठीक है, अब ये जो चार्ज होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और इसका यूनिट जो होता है वो कूलॉम होता है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं इसके बारे में, लिख देता हूं मैं चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स यूनिट इज कूलॉम, एसआई यूनिट कूलॉम है। और इसका जो सीजीएस यूनिट होता है उसे ईएसयू कहते हैं, सीजीएस यूनिट को हम लोग ईएसयू या स्टैट कूलॉम बोलते हैं। और वन कूलॉम इज इक्वल टू 3×10⁹ स्टैट कूलॉम, जहां पर स्टैट कूलॉम इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, स्टैट कूलॉम इज सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज। और एक स्टैट कूलॉम को एक ईएसयू भी कहते हैं, मतलब वन स्टैट कूलॉम इज इक्वल टू वन ईएसयू, एक स्टैट कूलॉम जो है वो एक ईएसयू के बराबर भी होता है। ठीक है, तो चार्ज बेसिकली एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो दुनिया भर के हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। जो चार्ज है उसका यूनिट कूलॉम होता है, और जो चार्ज होता है उसका एसआई सीजीएस यूनिट जो है वो स्टैट कूलॉम है, और एक कूलॉम 3×10⁹ स्टैट कूलॉम के बराबर होता है। वैसे आज तक कोई भी सवाल ऐसा आया नहीं है जिसके अंदर जो है वो सीजीएस यूनिट का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन फिर भी हमको जानना तो सब चाहिए, नहीं आया इसका ये मतलब नहीं कि आगे भी नहीं आएगा। तो चार्ज की जो सीजीएस यूनिट होती है वो स्टैट कूलॉम होती है। अभी जो जैसे मास था तो उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज थी, उसी तरह से चार्ज जो होता है उसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं, जिसके बहुत सारे गुण होते हैं, और उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके हम लोग स्टडी करेंगे। और वो प्रॉपर्टीज आपको रटनी है, मतलब समझाने का काम मेरा है, समझा तो मैं दूंगा लेकिन उनको लर्न आपको करना है। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बच्चे क्या करते, सोचते वीडियो हमारे पास अवेलेबल है तो हम कभी भी लर्न कर लेंगे, देख लेंगे, उसको लिखना है आपको। अगर आप सीखना चाहते हैं, इन ऑनलाइन क्लासेस का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप लिखें जरूर जो भी आपको बताया जाता है। ठीक है, वीडियो में लिखा हुआ वीडियो पॉज करके लिखें, लेकिन अपनी हैंडराइटिंग में लिखेंगे तो आपको बेनिफिट ज्यादा मिलेगा। ठीक है, तो जो ईएसयू होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है चार्ज का, वही स्टैट कूलॉम होता है, और एक कूलॉम 3×10⁹ स्टैट कूलॉम के बराबर होता है। अब हम लोग चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, चार्ज के जो गुण अवगुण होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले बात, चार्ज की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आप लोग जानते हैं, कुछ कुछ जो नहीं जानते वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन मैक्सिमम प्रॉपर्टीज आप जानते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी देती है कि भाई चार्ज दो टाइप के होते हैं, जैसे मास एक ही टाइप का होता है लेकिन चार्ज होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक को हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज बोला है और एक को नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है चार्जेज आर ऑफ टू टाइप्स, चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स। पहला जो है वो है पॉजिटिव चार्ज, पहला पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक को हम लोग पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं, दूसरे को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, ये आप सब लोग जानते हैं कि प्रोटॉन जो होता है उसके ऊपर चार्ज प्लस ई के बराबर होता है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई के बराबर होता है। तब एक इसमें सवाल आता है कि भाई प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई बड़ा है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई है, तो कौन सा चार्ज बड़ा है? तो अगर आप सिंपल गणित के हिसाब से चलते हो, सिंपल गणित की बातें करते हो आप, तो सिंपल गणित के हिसाब से तो भाई दो जो है वो माइनस दो से बड़ा है, लेकिन चार्ज में ऐसा नहीं है। देखो, प्रोटॉन का चार्ज पॉजिटिव है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव है, लेकिन है दोनों बराबर। बस इतनी सी बात है कि भाई इसमें हुआ ये था कि एक चार्ज पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो दो टाइप के चार्जेस थे, तो एक को पॉजिटिव दिखाना था दूसरे को नेगेटिव दिखाना था, तो इसलिए उन्होंने प्रोटॉन को पॉजिटिव कर दिया, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव कर दिया। इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव कर देते तो प्रोटॉन का पॉजिटिव हो जाता। इसका ये मतलब नहीं है कि जो जैसे दो और माइनस दो के बीच अंतर चार का है तो ये ई और माइनस ई के बीच का अंतर टू ई हो जाए, ऐसा नहीं है। चार्जेस दो टाइप के होते हैं
और एक कोई हमने पॉजिटिव ले लिया तो दोनों अपना दूसरा अपने आप नेगेटिव हो गया। इसका यह मतलब नहीं कि प्रोटॉन का चार्ज ज्यादा है इलेक्ट्रॉन का कम है, दोनों बराबर है, साइन अलग अलग है, दोनों का नेचर अलग अलग है। तो नेचर अलग अलग होने की वजह से हमने क्या कर दिया, हमने बोल दिया कि भाई एक को प्लस बोल दिया एक को माइनस। बाकी इसमें ऐसा नहीं कि एक बड़ा है एक छोटा है चार्ज की, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी एक प्रॉपर्टी आती है चार्ज की, लाइक चार्जेस जो होते हैं दे लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट लाइक पॉइंट चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक पॉइंट चार्जेस अट्रैक्ट। जो लाइक पॉइंट चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अनलाइक पॉइंट चार्जेस होते हैं ठीक है वो अट्रैक्ट करते हैं। जो लाइक होंगे वो रिपेल करेंगे और अनलाइक अट्रैक्ट करेंगे ठीक है। ये एक चार्ज की प्रॉपर्टी, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, सभी लोग जानते हैं कि लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं और अनलाइक जो चार्जेस हैं वो अट्रैक्ट करते हैं ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब इसमें और भी चार्जेस की प्रॉपर्टी होती है, ये अट्रैक्शन रिपल्शन हो गया, लाइक अनलाइक हो गया। एक प्रॉपर्टी चार्ज की ही आती है कि दुनिया का जो नेट चार्ज है वो कांस्टेंट है, मतलब चार्ज को आप पैदा या खत्म नहीं कर सकते। मतलब ऐसा हो सकता है कि न्यूट्रल पार्टिकल है उसमें से एक प्लस टू कूलम निकल जाए माइनस टू निकल जाए, लेकिन ओवरऑल जो यूनिवर्स के अंदर चार्ज है, ऐसा नहीं कि ई और ई मिला के हम थ्री ही बना सकते हैं, ई और ई मिला के टू ही बनेगा या प्लस ई और माइनस ई मिला के जीरो ही बनेगा। तो दुनिया भर का जो यूनिवर्स का टोटल चार्ज जो है वो कांस्टेंट होगा, मतलब चार्जेस का आप कोई भी केमिकल रिएक्शन लिखते हैं तो उसमें आप जो चार्जेस होते हैं उनको आप बैलेंस करते हैं ना, तो उसी वजह से होता है कि यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है। ये मैं लिख देता हूं, टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट। आई बात समझ में, पूरे ब्रह्मांड का जो टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, पूरी दुनिया में जो भी टोटल चार्ज है वो कांस्टेंट होता है, चार्ज को हम क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। चार्ज जो है यूनिवर्स का टोटल चार्ज कांस्टेंट है, ना तो आप इसको क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो ठीक है। अब एक बात आ गई, दूसरा इसके अंदर एक आता है कि चार्ज जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों की कमी या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण होता है। बहुत माइन्यूट अगर हम कुछ एक्सेप्शंस को देखें तो किसी भी मटेरियल पर, जैसे मान लीजिए कि मेरे सामने ये डस्टर पड़ा हुआ है ठीक है, अब इस डस्टर के अंदर अगर मुझे चार्ज करना है तो देखो न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो बाहर हम निकाल नहीं सकते, वो तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस होती है, न्यूक्लियर रिएक्शंस वगैरह, बम बम फटता है तब होता है, आमतौर पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वही 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 बाहर होता है। तो अगर मुझे इसको मान लो नेगेटिव चार्ज देना है तो मैं इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन दे दूंगा, या पॉजिटिव चार्ज देना है तो मैं कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लूंगा। यानी आमतौर पर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, जो असली जिंदगी में जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मिलते हैं वो इलेक्ट्रॉनों की एक्सेस या इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होते हैं। किसी भी बॉडी पे जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज निकलेगा वो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण होगा या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण होगा। तो इस बात को हम ऐसे बोल सकते हैं, द चार्ज ऑन ए बॉडी इज usually due to the charge on a body is usually due to deficiency or excess of electrons. The charge on a body is usually due to deficiency or excess of electrons. किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज है वो आमतौर पे या तो कमी के कारण होगा इलेक्ट्रॉनों की या अधिकता के कारण होगा। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जैसे आपको बताया था कि किसी के ऊपर भी जो चार्ज होता है वो या तो इलेक्ट्रॉनों की कमी से होगा या इलेक्ट्रॉनों की अधिकता से होगा। तो अब जैसे मान लो किसी बॉडी को हम पॉजिटिवली चार्ज करना चाहते हैं तो हम उससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो उसके ऊपर प्लस ही चार्ज हो गया, 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो प्लस 10 ही चार्ज हो जाएगा, 1000 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 1000 ही चार्ज हो जाएगा। लेकिन हम उससे 1.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते, या 1.25 इलेक्ट्रॉन निकाल लें, या 4.5 इलेक्ट्रॉन तो नहीं निकाल सकते ना, इलेक्ट्रॉन या तो एक निकलेगा या दो निकलेगा या दो
तीन निकलेगा। हम ऐसे नहीं बोल सकते भाई क्लास के अंदर जो है पौने पांच बच्चे बैठे हुए हैं, पौने पांच तो मतलब होल नंबर में हो गया, तो एक बच्चा होगा या दो बच्चा होगा या तीन, तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी होल नंबर में आएंगे। तो या तो आप इलेक्ट्रॉन जो है उसको दोगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, या निकालोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, या तो एक एन एन इंटीजर है, एन इज इंटीजर, जो भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी कि जो भी चार्ज होगा वो या तो प्लस ई होगा या टू ई या हजार ई या लाख ई, लेकिन कभी आधा पौना डेढ़ा इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हम लोग या ना दे सकते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम लोग कहते हैं चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल, दैट इज चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का क्वांटाइजेशन का मतलब होता है, जैसे आपने बोर मॉडल पढ़ा होगा 11th क्लास के अंदर, तो बोर मॉडल के अंदर ये कहते हैं ना कि जो एंगुलर मोमेंटम होता है ना बोर मॉडल के अंदर इलेक्ट्रॉन का, वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी वो एच अपॉन टू पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ऐसा पढ़ा होगा आपने। तो क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है कि इंटीग्रल मल्टीपल, जैसे दुनिया में इंसानों की संख्या क्वांटाइज्ड है, जितने भी हैं होल नंबर में होंगे, ठीक है। तो क्वांटाइजेशन वर्ड यही बताता है कि इंटीग्रल मल्टीपल है, किसी भी बॉडी के ऊपर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ठीक है। ये तो नॉर्मल बात रही जो हम लोग पढ़ते हैं जो प्लस टू के लेवल पे है। अब अगर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे जाएं तो वास्तव में क्या होता है कि कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको हम लोग क्वार्क्स कहते हैं, जिनसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर बने होते हैं, दो तरह के क्वार्क होते हैं। अब डाउन खैर अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है, लेकिन ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन फिर भी जो काम की बात है वो तो मैं आपको बताऊंगा। तो कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो क्वार्क्स जिनको कहते हैं, उनके ऊपर चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं होता है। किसी के ऊपर टू ई बाई थ्री हो जाएगा, किसी माइनस ई बाई थ्री हो जाएगा, किसी प्लस ई बाई थ्री हो जाएगा, इस तरह का रहता है। तो कुछ ऐसे मटेरियल या कुछ ऐसे बहुत ही छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनके ऊपर चार्ज क्वांटाइज नहीं होता है, उन्हें हम लोग क्वार्क्स कहते हैं, और क्वार्क का चार्ज क्वांटाइज नहीं होता है, ठीक है। तो मैं नोट डाल के यहां पे लिख रहा हूं, सर्टेन पार्टिकल्स हैव सर्टेन पार्टिकल कॉल्ड क्वार्क्स हैव charges and certain particles called quarks have charges as fractional multiple of electronic charge। Certain particles called quarks have charges as fractional multiple of electronic charge। कुछ ऐसे particles होते हैं जिनको हम लोग quarks कहते हैं, और उनका जो charge होता है वो electronic charge का integral multiple होता है, ठीक है। Quarks का charge होता है वो electronic charge का, integral बोल रहा हूँ मैं, fractional multiple होता है, इंटीग्रल नहीं होता है, 2e by 3, minus e by 3, plus e by 3, इस टाइप का होता है। तो क्वांटाइजेशन हमारे आपके लिए क्वांटाइजेशन एकदम सही है, लेकिन और ज्यादा अगर हम एटम के अंदर चले जाएं, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियनों के अंदर चले जाएं, तो जो चार्जेस होते हैं वो क्वांटाइज्ड होते हैं, ये भी एक बात दिमाग में आपको रखनी है। वैसे हम लोग जो प्लस टू लेवल पे पढ़ते हैं उसके अंदर हम चार्ज को हमेशा क्वांटाइज्ड ही मानते हैं, ठीक है। ये चार्ज की प्रॉपर्टी हो गई। अब एक और चार्ज की बड़ी इंटरेस्टिंग सी प्रॉपर्टी होती है जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी होगी, जैसे इतना तो आप लोग जानते हैं, मतलब सुना होगा उड़ते पढ़ते कहीं भी डिस्कवरी चैनल और आजकल ये सब चीजें देखते हैं आप लोग, तो ये सुना होगा कि जो चार्ज होता है, जो मास होता है, अगर हम रेफरेंस फ्रेम चेंज कर दें, आइंस्टाइन की जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है उसके हिसाब से अगर हम रेफरेंस फ्रेम बदल दें तो मास की वैल्यू बदल जाती, मास बढ़ जाता है,
टाइम जो है वो डायलेट हो जाता है, टाइम बड़ा हो जाता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। तो अगर आप रेफरेंस फ्रेम बदल दें तो जो मास, लेंथ, टाइम है ये सब बदल जाते हैं, ये सब फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। लेकिन चार्ज एक ऐसी दुनिया की अकेली फिजिकल क्वालिटी है जो रेफरेंस फ्रेम बदलने पर नहीं बदलती है। मतलब अगर आप लाइट के बीम पे बैठ के भी देखोगे ना तो एक कूलम चार्ज है तो एक कूलम ही रहेगा, ऐसा नहीं कि वो दो कूलम या पांच कूलम या आधा कूलम हो जाएगा, वो वही का वही रहेगा। यानी चार्ज जो होता है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड नहीं करता है। तो हम लोग चार्ज के बारे में ऐसे भी बोलते हैं कि जो चार्ज है वो रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट है। ठीक है, तो चार्ज की एक और प्रॉपर्टी आ गई, छठी प्रॉपर्टी यहां पर आ गई, चार्ज इज रिलेटिविस्टिकली invariant. Charge is relativistically invariant. Charge जो है वो relativistically invariant है। ठीक है, वो इस बात पर depend नहीं करता है कि reference frame आपने क्या लिया है। ठीक है, it does not depend upon the frame of reference used. Relativistically invariant is does not depends upon the frame of reference used. जो भी रेफरेंस फ्रेम आपने यूज किया हुआ है उसके ऊपर चार्ज की वैल्यू डिपेंड नहीं करती। चार्ज की जो वैल्यू होती है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करती है कि आपने कौन सा रेफरेंस फ्रेम यूज किया हुआ है। ठीक है, तो ये चार्ज की तरह तरह की प्रॉपर्टीज हैं। पूरी दुनिया का सारा चार्ज कांस्टेंट होता है, रिलेटिविस्टिकली इनवेरिएंट होता है, कोई भी फ्रेम से आप देखोगे तो चार्ज नहीं होगा, चार्ज क्वांटाइज्ड होता है। ठीक है, तो ये जो चार्ज की प्रॉपर्टीज हैं इन पे एक छोटा सा सवाल बनता है। सवाल क्या है? ठीक है, सवाल मैं लिख रहा हूं, आइडेंटिफाई वेदर 0.05 कूलम चार्ज इज पॉसिबल और नॉट। पता लगाओ कि 0.05 कूलम चार्ज जो है वो संभव है कि नहीं है। तो अगर 0.05 कूलम चार्ज संभव होगा या नहीं होगा इस बात का पता लगाना है, तो हमें ये पता है कि चार्ज जो होता है वो प्लस माइनस नहीं होता है। यानी कोई भी चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो मैं ये देखूं कि 0.05 कूलम जो है वो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल है कि नहीं है। अगर निकल गया तो इसका मतलब कि वो रिलेटिविस्टिकली जो है वो पॉसिबल होगा, सॉरी वो पॉसिबल हो पाएगा। तो अब चार्ज इन्होंने बोला है कितना, 0.05, ये हो गया एन हो गया और ई हो जाएगा 1.6 × 10⁻¹⁹। ठीक है, ये हो जाएगा भाई, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम होता ही है, तो यहां से n की वैल्यू आ जाएगी 0.05 × 10⁻¹⁹। n आना चाहिए था इंटीजर, तो इंटीजर आया कि नहीं आया? अभी कहां खुलासा हुआ है, अभी पता चलेगा आया कि नहीं आया ना, इसका खुलासा तो बाद में होगा। इसको सॉल्व करें, क्या पता इंटीजर आई जाए, देखने में भले आपको लग रहा है ये जाएगा 0.05 × 1.6 × 10⁻¹⁹। देखना इंटीजर आएगा सॉल्व करने पे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको 10⁴ यहां से ले लूं, तो 10⁴ यहां से लूंगा तो ये हो जाएगा 0.05 था ही, या 10⁻² लेता हूं तो ये जाएगा 5 upon 1.6 × 10⁻¹⁷। 10⁻² ले लेंगे तो 0.05 चला जाएगा। अब उसके बाद इसमें मैं एक जीरो और उठा लेता हूं, दो जीरो उठा लेता हूं, हो जाएगा 500 upon 1.6। ठीक है, 500 upon 1.6 × 10⁵⁵। अभी तक तो इंटीजर आने दो। अब देखो ये हो जाएगा 5000 upon 1.6, 5000 upon 1.6 × 10⁵⁵। अब ये बराबर कितना आएगा, 5000 upon 16 हो गया ये। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो जैसे अगर देखें तो 8 से जाएगा ये, 8 से ये कैसे जाएगा, 8 × 48 आ रहा है, फिर बचा 2 16, फिर बचा 4 5 625/2, ये आ गया into 10⁻¹⁵। एक जीरो और उठा लो,
एक जीरो और उठा लो तो देखो इंटीजर आ गया कि 6250 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3125×10^14 आ गया ना इंटीजर, इंटीजर आ गया तो ये उसकी वैल्यू उसके बराबर आ जाएगी। ठीक है, चलिए।